इस फेयर ट्रायल के तीन एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट, इट शुड बी फेयर टू द अक्यूज्ड, इट शुड बी फेयर टू द प्रोसिक्यूशन एंड इट शुड बी फेयर टू द विटनेसेस। अब ये जो फेयर टू द अक्यूज्ड है, इसका मतलब है दैट देर शुड बी अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, राइट। जब तक कि केस चलता है, जब तक कि कोई अक्यूज्ड कन्विक्ट नहीं कहलाता बाय जजमेंट, तब तक हम उसको इनोसेंट मानते हैं एंड दैट इज द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। सेकेंड पॉइंट इज फेयर ट्रायल फॉर द प्रोसिक्यूशन, और उसका वो तब होता है फेयर व्हेन देर इज नो अब्यूज ऑफ लॉ। इसका हम बहुत जो लाइव एग्जाम्पल देखते हैं आजकल टेलीविजन पे बहुत हाईलाइटेड है, वो है निर्भया का केस। इसमें हम सब रोज देखते हैं अपडेट्स कि कैसे जो कन्विक्ट्स के लॉयर हैं, ही हैज बिन फाइलिंग वेरियस पिटिशंस एप्लीकेशन एंड यूजिंग मेनी लॉज एंड अपील्स टू डिले द हैंगिंग ऑफ द कन्विक्ट्स। नाउ वेदर ये लीगली राइट है कि नहीं है, हम इसमें नहीं जाएंगे, बट स्टिल इट इज परसीव्ड एज अनफेयर टू द प्रोसिक्यूशन बाय मेनी पीपल। जो थर्ड एस्पेक्ट है फेयरनेस टू द विटनेसेस, वो ये है दैट देर शुड बी नो थ्रेट और इंड्यूसमेंट टू द विटनेसेस। थ्रेट का मतलब ये है कि धमकी दी जाए कि आप ऐसा बयान ना दीजिए, एंड इंड्यूस है कि ऑब्वियसली कुछ पैसे या अदरवाइज कोई फेवर ऑफर किया जाए कि आप ये बयान दीजिए या ना दीजिए। इसका भी एग्जाम्पल है कि आजकल आप देखते हैं कि यूपी का एक पॉलिटिकल लीडर है जिनके ऊपर ये केस चल रहा है थ्रेट एंड इंड्यूसमेंट का, पंजाब एंड हरियाणा के कोई गॉडमैन है जिनके ऊपर केस चल रहा है थ्रेट एंड इंड्यूसमेंट ऑफ विटनेसेस का। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे अनफेयर माने जाते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस।